नमस्कार। आज मैं और पांच आसन लेके आपके सामने आया हूँ। पांच आसन का अभ्यास करते हैं, उसमें पहला है त्रिकोण आसन। अपनी जगह पे खड़े हो जाना है, दोनों पैर में दो से ढाई फुट का अंतर रखना है, एक साइड पैर का पंजा पूरा घुमाना है, श्वास लेके दोनों हाथ साइड में रखना है, श्वास पर निकल के जिस साइड पे घुमाया है उस साइड झुकना होता है, वो सपना नीचे जाना है और ऊपर अपने हाथ को देखना है। 15 सेकंड होल्ड करो, श्वास पूरा बाहर निकालो, कमर से साइड से झुकने की कोशिश करो। धीरे से वापस आना है, श्वास लेना है, दूसरी साइड पैर का पंजा घुमाना है, श्वास बाहर निकाल के सिर्फ साइड से झुकना है, ऊपर अपने हाथ को देखना है, कमर से साइड से घूमो, श्वास पूरा बाहर, 15 सेकंड होल्ड करो। धीरे से श्वास लेके वापस आओ। दूसरा आसन है लोलासन, पद्मासन करना है। एक पैर ऊपर अपना है पूरा, दूसरा पैर उस पर पद्मासन करना है, दोनों हाथ साइड में रखना है और श्वास लेके अपने हाथों पर पूरा बॉडी को अप करना है। 15 से 20 सेकंड होल्ड करो। धीरे से नीचे, ये हुआ लोलासन। तीसरा आसन है वक्रासन, पूरे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है वक्रासन। एक पैर बेंड करना है, गुंडे के साइड में रखना है, जो पैर बेंड करते हो उस साइड का हाथ पीछे रखना है और दूसरा हाथ गुंडे और साधे से पीछे निकालना है और पूरा वो सपना पैर को नीचे पकड़ने की कोशिश करना है, जो पैर खड़ा है उसको पकड़ना होता है और पूरा जो हाथ पीछे उससे घूमना है, कमर को क्विश करना है, श्वास पूरा बाहर और पूरा पीछे देखना है, क्विश करना है। धीरे से वापस आ रहा है, ऐसे दूसरे साइड देखते हैं। एक पैर बेंड करना है, गुंडे ज्यादा अंदर नहीं ले जाना, गुंडे के साइड में रखना है, जो पैर बेंड करते हो वो पीछे रखना है, दूसरा हाथ अपोजिट हाथ गुंडा और चेस्ट दोनों के बीच से निकल के पूरा नीचे पकड़ने की कोशिश करना है, कमर से पूरा घूमना है और पूरा पीछे देखना है, श्वास बार 15 से 20 सेकंड होल्ड करो। दूसरा पैर स्ट्रेट रखो, हो सकना कमर से घूमना है, पैर को कस के पकड़ लो, धीरे से वापस। ये हुआ वक्रासन, बहुत ही अच्छा आसन था। आगे का आसन देखते वो भी वेष्ण आसन है, भुजंगासन। भुजंग मकर नाग कोबरा,
पेट के बल पलट जाना है, अपने दोनों पैर जॉइंट रखना है, पैर के पंजे नीचे रखना है, हाथ कंधे के नीचे रखना है और श्वास लेके धीरे से आगे से कमर से बेंड करना है, ऊपर देखना है, पूरा खींच के ऊपर देखना है, आपका थाई का भाग नीचे जमीन को टच होना चाहिए और बेंड करना है 15 से 20 सेकंड होल्ड करो। धीरे से श्वास निकाल के वापस आना है। ये था भुजंगासन। आगे का आसन है पवन मुक्तासन। पीठ के बल पर लेट जाना है। पहले एक पैर से देखते हैं पवन मुक्तासन, फिर दोनों पैर से। तो एक पैर से, एक पैर को घूमने से बेंड करना है, दोनों हाथ से पूरा घुटना पकड़ना है, नीचे वाला पैर स्ट्रेट रखना है और श्वास बाहर निकल के घुटने को चेस्ट की ओर खींचना है, मस्तक अप करना है। वापस आना है। ऐसे दूसरे पैर से एक पैर बेंड करना है, घुटना पकड़ना है, श्वास बाहर निकल के पूरा खींचना है, मस्तक घुटने की ओर ले जाओ, पूरा खींचो, नीचे वाला पैर स्ट्रेट रखो, 15 से 20 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करो। दोनों पैर से, दोनों पैर से भी पवन मुक्तासन हो सकता है। दोनों पैर पकड़ना है, दोनों पैर को हाथ से पूरा कस के पकड़ना है, श्वास बाहर निकल के पैर को खींचना है, मस्तक अप करना है। धीरे से श्वास लेके वापस आना है। इसमें आप बाद में लोलक भी कर सकते हो, पूरा ऊपर नीचे। धन्यवाद।